नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M31S। दोस्तों आपको इसमें चार कैमरे मिलते हैं और इसमें हम बात करेंगे आज स्लो मोशन की। तो इसमें आपको बैक कैमरे में दो स्लो मोशन मिलते हैं, स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन। आप यहाँ पे मोर में जाके आप जो स्लो मोशन है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो स्लो मोशन और सुपर स्लो मोशन। जो स्लो मोशन होता है और सुपर स्लो मोशन होता है वो 720p रिजोल्यूशन पे ही रिकॉर्ड होते हैं दोनों। हालांकि जो स्लो मोशन होता है उसमें 240 FPS पे रिकॉर्ड होता है और सुपर स्लो मोशन 480 FPS पे रिकॉर्ड होता है। जितना FPS ज़्यादा होगा उतनी आपकी वीडियो स्लो होगी, ज़्यादा स्मूथ होगी। तो अगर ज़्यादा स्लो वीडियो आपको बनानी है तो सुपर स्लोमो का यूज़ करिए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सुपर स्लोमो में आपको टाइमिंग जरूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम अनलिमिटेड नहीं मिलता। आप कितने भी टाइम के लिए सुपर स्लोमो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो सुपर स्लोमो है वो 8 सेकंड के लिए बनता है, लेकिन उसमें आप 1 या 2 सेकंड की ही रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आपकी टाइमिंग सी होनी चाहिए, तब जाके जो सुपर स्लोमो है अच्छा रिजल्ट देता है। हालांकि स्लो मोशन में आपको कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती। जैसे आप स्लो मोशन रिकॉर्ड करोगे तो आप देख सकते हो स्लो मोशन में आप यहाँ पे लाइट का भी फ्लैश का भी यूज़ कर सकते हो। स्लो मोशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप कितने भी टाइम के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आप सुपर स्लो मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम लिमिट होता है। आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड भी हो चुकी है, अब ये सेव भी हो रही है। मतलब 1 या 2 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड होती है जो 8 सेकंड की वीडियो बन जाती है। आपको फ्रंट कैमरे में भी स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सुपर स्लो मो का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप 240 FPS पे स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रंट कैमरे से। तो आपको दोनों कैमरे में स्लो मोशन का इफेक्ट मिल जाता है। तो अब स्लो मोशन आपने रिकॉर्ड कर लिए, अब इन्हें एडिट कैसे करना है। तो आप जो स्लो मोशन है आपके, आप उन्हें एडिट भी कर सकते हो। मान लो मैंने ये स्लो मोशन बनाया है, ये जो स्लो मोशन है ये नॉर्मल वाला स्लो मोशन है जो 240 FPS का है, आप इसे एडिट भी कर सकते हो। तो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे प्ले करना है और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे एक लाल लाइन दिखाई देगी बीच में, सेंटर में और यहाँ पे। तो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है अगर वो कट कर देना है तो आपको ये जो स्लाइडर है लास्ट में उसको आपको इस तरह से ट्रिम करना है। तो अब आपका वीडियो जो है, जो एक्स्ट्रा पार्ट वो कट हो चुका है, अब आपके पास इतना ही वीडियो बचा हुआ है, आप उतने वीडियो में एडिटिंग कर सकते हो। अब आपको जो स्लोमो है कहाँ पे रखना है, तो जो स्लाइडर है ये वाले, आपको उन स्लाइडर को स्लाइड करना है इस तरह से। तो आपका जो स्लोमो इफेक्ट होगा ये 2 लाइन के बीच में होगा और जो आजू बाजू में नॉर्मल स्पीड होगी। मतलब मल्टीपल स्लोमो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे अगर आप प्ले करोगे इसे तो आप देख सकते हो पहले नॉर्मल स्पीड थी, फिर स्लोमो हुई, फिर अब नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल स्लोमो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पे एक खास बात है कि आप जो ये जो स्लोमो वीडियो है आपने जो 240 FPS पे बनाया है उसको आप 120 FPS या 60 FPS भी कर सकते हो। वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे बीच में इस लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, 1:2, फिर 1:4 और 1:8। 1:2 का मतलब है 60 FPS,
इसका मतलब है 120 FPS और ये होता है 240 FPS। तो आप इस तरीके से अपने जो वीडियो है बना सकते हो और उनको स्प्लिट भी कर सकते हो, तो आप मल्टीपल स्लोमो बना सकते हो। आप अब आप देख सकते हो मैंने जो वीडियो है स्प्लिट कर दिया है, तो स्लोमो नॉर्मल स्लोमो आप देख सकते हो अभी वीडियो किस तरह से प्ले होगा। ये स्लोमो है, अब ये स्लोमो में प्ले हो रहा है, अब नॉर्मल में प्ले होगा, वापस स्लोमो में प्ले होगा। तो इस तरह से आप स्प्लिट भी कर सकते हो और यहाँ से फिर आप जो टाइमर है या स्लाइडर है वो भी चेंज कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपका जो स्लोमो है वो यहाँ पे बन जाएगा। तो आप मल्टीपल स्लोमो कर सकते हो, नॉर्मल स्लोमो नॉर्मल या फिर स्लोमो नॉर्मल स्लोमो। तो इस तरह से जो वीडियो है आप अच्छे से एडिटिंग कर सकते हो। तो आपको ये होता है नॉर्मल स्लोमो जो वीडियो होता है 240 FPS वाला, उसमें एडिटिंग की बात करते हैं, उसमें आप जो म्यूज़िक है वो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको साउंड ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है, अगर आपको आपके ओरिजिनल साउंड में ही रखना है वीडियो को तो आप इस ऑप्शन को जैसे का वैसा रख सकते हो। अगर आपको दूसरा म्यूज़िक ऐड करना हुआ तो आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इनबिल्ट साउंड मिल जाते हैं, या फिर आपको अपनी म्यूज़िक फाइल ऐड करनी है तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है, तो आपका जो सॉन्ग है आप अपने स्लोमो में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से जो स्लोमो होता है 240 FPS वाला आप उसे एडिट कर सकते हो। आप फिर जो चालू स्लोमो में आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मिल जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पे सेव कर देना है, जो वीडियो है आपने जैसे बनाई है उस तरह से वीडियो सेव हो जाएगा। फिर अगर आप सुपर स्लोमो की बात करेंगे जो 8 सेकंड का होता है, उसको कैसे एडिट करेंगे, तो जैसे मान लो 8 सेकंड का वीडियो है, जैसे इसे मुझे एडिट करना है, यहाँ पे पहले से म्यूज़िक ऐड होता है। फिर यहाँ पे देख सकते हो आप जो स्लाइडर है उसे आप यहाँ से कर सकते हो। हालांकि सुपर स्लोमो में आप जो FPS है वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका जो स्लाइडर है चेंज कर सकते हो, मतलब आपको स्लोमो कहाँ रखना है आप उस तरह से स्लोमो रख सकते हो। अगर यहाँ पे देखोगे अब ये नॉर्मल है, फिर स्लोमो, अब नॉर्मल। तो इस तरह से आप 480 FPS वाला जो स्लोमो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो अपने वीडियो में, और फिर आप यहाँ पे म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हो, आपको जो म्यूज़िक ऐड करना हुआ वो, और आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट कट करने हुए आप इस तरह से इन्हें स्लाइड करके फिर सेव कर दीजिए, और वो जो है वो वीडियो सेव हो जाएगा उस तरह से। तो आपको याद रखना है आपकी जो डॉटेड लाइन बीच में है वो बीच में स्लोमो होगा, और जो नॉर्मल लाइन होती है वो नॉर्मल स्पीड होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो, लेकिन इसमें खास बात है कि जो आप सुपर स्लोमो वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको इसमें 3 वीडियो मिल जाते हैं रिकॉर्ड किए हुए पहले से। जैसे यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको 3 वीडियो मिल जाएंगे। ये फॉरवर्ड वाला है जो हमने नॉर्मल किया था, फिर इसके बाद ये रिवर्स है, जो रिवर्स होता है बैकवर्ड उल्टा, फिर इसके बाद फॉरवर्ड रिवर्स मतलब लूप दोनों का मिक्स। इस तरह से ये वीडियो आपको दिख जाते हैं। तो आप इस तरह से इन 3ों वीडियो में से किसी भी वीडियो को सेव करके अपने स्लोमो बना सकते हो। मान लो मुझे फॉरवर्ड रिवर्स इसको करना है सेव, तो मैं सेव कर दूंगा, और ये वीडियो मुझे किस फॉर्मेट में सेव करना है, गिफ में या MP4 में, तो मैं गिफ में करूंगा। तो इस तरह से आप अपने स्लोमो को गिफ में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपका जो गिफ होगा वो इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से अपने स्लोमो को एडिट कर सकते हो अच्छी तरह से, ताकि जो स्लोमो है और काफ़ी अच्छा बने। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।